नमस्कार। सो ये आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, आप जानते हैं कि एज ए करियर काउंसलिंग कंपनी हम तो हर तरह की ऑफ़र आपको देते हैं, और हम सिर्फ MBBS इंडिया नहीं करते हैं, हम MBBS अब्रॉड भी करते हैं, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और हम जानते हैं कि इंडिया के बाद जो नंबर टू अच्छी ऑप्शन है वो नेपाल है, और मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था कि वही स्पेशली जो ये 150 से 220, 230 मार्क्स, 250 मार्क्स तक के बच्चे हैं जिनका बजट कम है, उनके लिए नेपाल एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि नेपाल में गुड क्वालिटी एजुकेशन आपको 60-65 लाख के बजट में मिल जाती है। फ़र्क बस यही है कि आपका एक साल एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि अब जो NMC के नए रूल आए थे 18 नवंबर 2021 को, उसके हिसाब से आपको एक इंटर्नशिप वहाँ भी करनी है, और नेपाल का सेशन भी जनवरी में स्टार्ट होता है, तो हमसे 6 महीने लेट चलता है, राइट। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपका इतने से 1.5 साल फालतू लगता है। अब नेक्स्ट स्टेप वन तो वैसे भी साल में 2 बार होगा, तो जब भी हम नेपाल से आएंगे आप इमीडिएटली अपना नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वन का दे पाएंगे और इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन आ गई है नेपाल की, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से उनके फॉर्म खुलेंगे। देखिए, जो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है ना, उसमें भी हमें नेपाल का फॉर्म भरना पड़ता है, जो नीट की तरह होता है, क्योंकि नेपाल बीइंग ए गुड क्वालिटी कंट्री वो अपना भी एंट्रेंस लेती है ना अपनी सीटों के लिए। और मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ, नेपाल की हर कॉलेज में तकरीबन 100 सीटें होती हैं, जिसमें 66 सीट्स नेपाली स्किल होती हैं और 33 NRI होती है, और हम NRI हो गए उनके लिए, करेक्ट। और NRI की फ़ीस सरकार ने फिक्स कर रखी है $75,000, जो कि आज के रेट में कुछ 62-63 लाख बनती है, तो फिर हॉस्टल मेस मिला के तो 75 लाख होती है। तो फिर आप लोग सोचते होंगे कि हम या कुछ आपको ये कैसे कह सकते हैं कि फ़लाना कॉलेज आपको टोटल पैकेज 62 में मिल जाएगा, फ़लाना कॉलेज 58 में मिल जाएगा, या फ़लाना कॉलेज पूरे 74 में मिलेगा। सो देखिए, जो सबसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, जो फेमस हैं, दो मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा और कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस चितवन, ये दोनों के दोनों फुल MRP पे मिलते हैं। अब बाकी जो कॉलेजेस हैं, और नेपाल में मैं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं ना कि बाकी सब तो प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं जहां हम जा रहे हैं, कि आप हैं वो अंडर सरकारी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, बट ब्रॉडली दे ऑल आर प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। तो इनको ये जो फीस मिलती है जो हम लोग देते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लिए, ओके। एंड दे वॉन्ट टू अर्न दैट फीस, लेट मी पुट इट दिस वे। तो जैसा मैंने कहा, टोटल गिन के जो नेपाल में कॉलेज हैं वो 22 SMAs, 22, और 22 कॉलेजों के अंदर 6 कॉलेज हैं जो सरकारी कॉलेज हैं, बड़ा फेमस भाई BP कोराला लो, नेपालीस आर्मी इंस्टीट्यूट, पातन, कर्नाली अकेडमी, जिसमें दो चार NRI सीटें मतलब हमारे लिए हैं, जिनमें एडमिशन होगा हमें वो पेपर देना ही पड़ेगा, जो नेपाल का पेपर होगा, और हमें पूरे पैसे देने हैं, 62 लाख फीस, और मेरिट से हमको सीट मिलेगी। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई वो नेपाल के एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं, आप फॉर्म भरिए और ज़रूर उस पेपर में बैठिए। उस पेपर में बैठ के हमारा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद 10 और 6 16 टोटल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें 10 काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, 6 त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, काठमांडू यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी है, और कुछ जो मैंने बोला फेमस कॉलेज है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर या मणिपाल, वो कोई आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, दोनों में है भी सीटें 50-50 आउट ऑफ 100, और बाकी सभी कॉलेज में 33% है, 100 में से 33, जानकी और देवधा में सीटें ही 50 हैं, तो 17-17 हो जाती हैं भाई 33% के हिसाब से। अब लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज, ये लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं। और दूसरा देखिए, मैंने कहा ना प्राइवेट कॉलेज है, तो इन सबको लगता है कि अगर इनको NRI बच्चे नहीं मिलते तो इन्हें नेपाली बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, जिनकी फ़ीस हमारी फ़ीस से 1/3 होती है। तो चाहते हैं कि हमारी सीटें NRI बने, जैसे इंडिया के कॉलेज चाहते हैं ना कि उनकी NRI सीटें भरे, क्योंकि वहाँ की फ़ीस डबल है, ऐसे हम इनको एक तरह से डबल फीस दे रहे हैं, डबल से भी हल्की ज़्यादा दे रहे हैं। क्योंकि मैंने पूछा था एक दिन, इन लोगों ने नेपाली रुपीज़ में इनका जो टोटल फ़ी पड़ता है, हाँ, क्योंकि वो नेपाली रुपीज़ में देते हैं ना लोकल बच्चे, तो हाफ़ से भी कम है उनके लिए, तो 1/3 है। तो वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे आएँ। अब कितने इंडियन आएंगे उनको नहीं पता, इंडियन आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर देम अदर देन श्रीलंकन, कोई पाकिस्तानी वगैरह तो फिर उज्बेकिस्तान ही चले जाते हैं, कजाकिस्तान या बाकी सब मुस्लिम कंट्री से बांग्लादेश, सो दैट दे लाइक टू गेट इंडियन स्टूडेंट्स। तो वही बात है, जैसा एक टिपिकल सेल होती है 2 महीने पहले, और ये जो सीट्स है ये लोग डायरेक्ट पे कर दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, जो पहले अप्रोच करता है, मतलब दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, इट इज़ बेस्ड ऑन जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब ये क्या करते हैं कि 2 महीने पहले शुरू हुए तो आपको फ़ोन आ रहे हैं, वो सच फ़ोन थे कि भाई हम आपको काठमांडू मेडिकल कॉलेज विद हॉस्टल 55 में दे देंगे। अब उनको क्योंकि लसेस कॉलेज में 33 सीटें थी, अब उस रेट पे उनकी 10 सीटें बिक गई,
तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उनको लगता है कि इंडियंस में इस बार बहुत डिमांड है हमारे कॉलेज की, तो उन्होंने रेट बढ़ा दी है और अब वो 60 में मिल रही है। हम एक महीना और रुकेंगे, वो रेट बढ़ के पूरा 73 हो जाएगा हॉस्टल मिला के, राइट। तो ये लॉजिक है कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर चक्कर क्या है, पहले एक डेढ़ महीना पहले फ़ोन आता था तो कह रहे थे कि काठमांडू मेडिकल कॉलेज विद हॉस्टल 55 का करा देंगे, आज कह रहे हैं जी आपके 62 लगेंगे। और मैंने कहा महीना रुकोगे तो क्या पता पूरे 73 भी लगे या मिले ही ना सीट, क्योंकि नेपाल की लिमिटेड सीटें हैं, वो उन रशियन कंट्रीज़ की तरह ऐसा नहीं है कि बच्चे लिए जा रहे हैं इंडियन, कोई सीट की काउंट की लिमिट ही नहीं है, जो होता ही था। फिलीपींस ऐसे हुआ करता था कि जितने मर्जी बच्चे भेज दो, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में इस साल, रशिया में, यहाँ तो भी कम से कम गिन के ही 22 कॉलेज हैं और इन 16 जो ये प्राइवेट कॉलेज हैं इनमें 2 में 50-50 हैं, 2 में 17-17, बाकी में 33 हैं। तो मैं एवरेज क्विकली सबकी 33 पकड़ लूँ, 33 × 16 एग्जैक्ट 500 सीटें बनी, टोटल 500 सीटें बस। तो जैसे ही 500 भर जाएंगी ख़त्म खेल। तो इसलिए जो भी अपना बैकअप सोच रहा है, नेपाल जाने की सोच रहा है, और मैं हमेशा समझा रहा हूँ कि जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं कि डेफिनेटली देखिए हम सेप्टेम्बर एंड तक ट्राई कर सकते हैं इंडिया MBBS, या फिर आपको जो मैंने वीडियो पहले बनाया था कि पहले MBBS ट्राई करो, आपको बाहर ही भेजना, BDS कराओ, BMS कराओ, वो आपकी चॉइस है, आपको करियर चेंज करना है वो आपकी चॉइस है। बट अगर MBBS करना है और आप नेपाल के लिए ओपन है, बीइंग मैं तो उसको हमेशा कहता हूँ इंडिया का 29 स्टेट है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वीज़ा फ्री एंट्री है, तो चूँकि हमारे रिलेशंस होते हैं तो फिलहाल एक नॉमिनल अमाउंट देके 2 लाख रुपये का 2.5 लाख रुपये का हम सीट बुक कर देते हैं उनके पास। ये मुझे वैसे वीडियोज़ में नहीं बोलना चाहिए, तो उनको तो ये लगता है ना कि आप कन्फर्म बच्चे हो, और वो भी बाकी फीस तभी लेंगे जब एक्चुअल एडमिशन देंगे, और फिर हम लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर जाते हैं जिसको इंडिया में सीट मिल गई। डेफिनेटली ये 2.5 लाख वापस नहीं आएंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और यही असली बुकिंग है। अगर आप किसी को 10,000 रुपये देंगे कि सोच रहे हो कि आपकी सीट बुक हो गई, तो 10,000 रुपये आप मान के चलो आपने चंदे में दे दिए, 10,000 रुपये को भी वो सीट बुक होती है क्या? 2.5 लाख रुपये कॉलेज के अकाउंट में जाते हैं तो आपके नाम, आधार और नीट स्कोर कार्ड के साथ चढ़ जाता है कि हाँ भाई एक सीट हमने 33 में से या 17 में से या 50 में से बच्चे को एलोकेट कर दी है। क्या आपको लगता है कि 10,000 रुपये लेके कोई सीट देगा ऐसे? तो इन सब बातों का ध्यान रखें, जिनको आप 10,000 रुपये दे रहे हैं उन्होंने बस आप किससे 10,000 रुपये लेके अपने पास रख लिए हैं, आगे कुछ नहीं भेजा है। तो एक जो जेन्युइन रेट है वो तो समझो। एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, कोई मेरे पास आया कहता सर वो मौलाना आज़ाद में कन्फर्म एडमिशन करा रहा है, मैं कितने पैसे मांगे? कहता 15 लाख। मैं कहा यहीं गलती कर गया, मैं कहा झूठी बोलना था तो 1.5 करोड़ तो मांगता, मैं अगर 15 लाख में मौलाना आज़ाद मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान ना ले ले, क्योंकि वो तो प्राइवेट से भी सस्ता हो गया, मतलब उसकी फ़ीस तो 5,000 रुपये साल है, तो मेरी तो 16 लाख में MBBS हो जाएगी, वो भी मौलाना आज़ाद से। तो मैं 1.5 करोड़ मांगता तो भी मैं आपकी ब्याज पर उससे फ़ोन पर बात करता हूँ, मैं जो 15 लाख में आपको मौलाना आज़ाद दिला रहा है तो झूठी है। तो 10,000 में 20,000 में जो आपको नेपाल बुकिंग दे रहे हैं वो सब झूठी बोल रहे हैं, असली में जो बुकिंग चल रही है वो 2 से 2.5 लाख लुकिंग एट दी कॉलेज फिर से, ठीक है ना? और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए और तभी आपका काम पक्का होगा। हमसे संपर्क करना चाहें यू नो 9643362320 पे कॉल करना है, फ़ोन या मेरा प्राइस देखिए। मैं हमेशा भी कहता हूँ कि जो हमें 2,500 रुपये नहीं दे सकता वो पता नहीं क्या तो अपनी काउंसलिंग करा गया, क्या वो 63 लाख रुपये नेपाल के देगा, क्या वो 1 करोड़ रुपये इंडिया के देगा। कई लोग ही फ़ोन आते हैं, कॉल लेते हैं पहली कॉल में, और शायद मैं उनकी इज्जत रखता हूँ लेकिन मेरा स्टाफ का तो बहुत मन करता है, वो कहते हैं कि सर हमें उल्टा बोलना चाहिए कि अगर आप एक अच्छे इंसान को, एक जेन्युइन काउंसलर को 2,500 रुपये देने में आप 250 बार सोच रहे हो तो 1 करोड़ रुपये की फ़ीस कैसे दे दोगे समझ में नहीं आता है। मतलब 1 करोड़ का पैकेज लेने को तैयार हो कॉलेजेस का, 62-63 लाख रुपये नेपाल के लिए खर्च करने को तैयार हो, लेकिन 2,500 रुपये पहले देने को तैयार नहीं हो। हम 2,500 रुपये इसलिए लेते हैं, 2,500 रुपये कुछ नहीं है मेरे लिए भी, बट बेसिकली वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट अवर टाइम विद टाइम वेस्टर्स। मैंने कहा ना हम लोग कभी आउटबाउंड कॉल नहीं करते। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, क्या आज तक कभी किसी को GK वर्ष की तरफ से फ़ोन आया है? नहीं आएगा। आई डोंट हैव एनी टेलीकॉलिंग टीम, हम सिर्फ आपका फ़ोन उठाते हैं, कभी हम डेटाबेस से कॉल करते नहीं है, ये है हमारी पहली पहचान। दूसरी, आप जब हमें फ़ोन करते हो, कई लोग होते हो 2,500 देने में भी शर्मा जाते हैं, नहीं देते। क्या कभी हमने उनको कॉल बैक कराया कि नहीं नहीं चलो सर फ्री बात कर लेंगे? नहीं, हमारा स्टाइल तो ये है कि एक बार एक ऑफिस में आ गया और यहाँ पर आके बोलता है सॉरी सर 5 नहीं मैं तो 2.5 दूंगा, मैंने 2.5 सुना था। मैं कहा नहीं जी, फेस टू फेस मीटिंग के 5,000 ही लगते हैं। मैं अच्छा एस दैट मूड में खाली बैठा था तो मैंने उनसे बात नहीं की, उनको इज्जत के साथ वापस भेज दिया। मैं कहा फेस टू फेस सामने बैठ रहे हैं तो 5 ही देने पड़ेंगे, और मैं खाली बैठा था तो कोई और होता तो 2.5 कमा लेता ना, और कई लोग तो फ्री में आपके साथ बात करने को तैयार हैं। हम अपने टाइम की कीमत समझते हैं और सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं ना, मगर मैं मुफ्त में बात करूँगा तो जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं मैं उनके लिए क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाऊँगा, और वो मेरा मकसद रहता है
कि जो मुझे फ़ीस दे रहा है मैं अपना टाइम अपना दिमाग उनके लिए लगाऊं, ना कि उनके लिए जो हमें एक बेसिक फ़ीस भी देने को तैयार नहीं है। तो ये है रीज़न क्यों हम आपसे फ़ीस मांगते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। और नेपाल की सीटें बहुत जल्दी अब ख़त्म हो रही हैं, तो सोच समझ के फैसला कीजिए, वरना क्या पता सीट मिले ही ना एक महीने बाद, और मिले तो पूरे 72-73 देने पड़ेंगे। आज आपके 10-12 बच रहे हैं, उसमें अगर आपको 2 का रिस्क लेना है, आई थिंक इट इज़ वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।